मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं कुछ लेबर लॉ से संबंधित महत्वपूर्ण कानून जो प्रायः प्रचलन में है, सभी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कमैन्स एम्प्लॉयर आदि उससे गवर्न होते हैं, तो इन कार्यस्थल पर प्रचलित कानूनों के संबंध में इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण है बताने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक YouTube पर चैनल है, कृपया उसे भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अर्चना आरटी हब के नाम से सब्सक्राइब कर लें। अब विषय पर आता हूं। कार्यस्थल पर महिलाओं के जो कामकाजी हैं, अगर कोई बदसलूकी की जाती है तो उसकी शिकायत करने का उनको अधिकार दिया गया है। इसके लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के संबंध में एक विशाखा गाइडलाइन बनाई गई है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्कमैन यानी जो महिलाएं हैं कार्यस्थल पर उनके साथ कोई उत्पीड़न होता है तो इसके लिए एक अधिनियम रिड्रेसल के लिए बनाया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन ऑफ प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013, क्योंकि एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ था, ये राजस्थान का मामला है, और इसके लिए सभी जगह कमेटियां बनाई गई। वर्कमैन की सेल रहती है, सोशल वेलफेयर के रहते हैं, दो मेंबर रहते हैं, ये सब इसमें 3-4 महीने में एक मीटिंग होती है जिसमें यदि कोई महिला इस सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत करती है तो उसकी जांच की जाती है, और ये पॉसिबली कोई मैनेजर हो, बॉस हो, सहकर्मी हो, व्हाट्सएप पर कोई ऐसे फोटो भेजता है गंदे, फप्ती करता है, तो इसकी इंक्वायरी होगी। ये गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी सभी पर यह अधिनियम लागू है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है महिलाओं के उत्पीड़न के लिए। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस हुआ था जो 13 अगस्त 1997 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किया और सभी जगह के लिए यह एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है वर्कमैन्स कंपनसेशन, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम जिसे एम्प्लॉयज के संबंध में रखा गया है, और 1923 का यह अधिनियम है, और इसके अंदर जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी कार्यस्थल पर काम करने वाला व्यक्ति, चाहे उसके कोई इंजुरी आए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई इंजुरी यानी चोट आती है, उस वर्कमैन की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए कंपनसेशन या प्रतिकर का प्रावधान रखा गया है। इसमें उसकी एज, वेजेस तथा कार्य के दौरान यदि कोई घटना घटित होती है, हाथ पैर कट गया है, चोट आई है, तो इसमें शेड्यूल दिया हुआ है, रेलिवेंट फैक्टर रहता है, कैलकुलेशन करके लेबर कोर्ट में कमिश्नर का वर्कमैन्स कंपनसेशन कमिश्नर के रूप में लेबर कोर्ट जज की नियुक्ति रहती है, उनके यहाँ कब कितना कंपनसेशन जमा करना है सब व्यवस्था है। 30 दिन के अंदर एक्सीडेंट के यदि जमा कर देता है एम्प्लॉयर या इंश्योरेंस कंपनी तो पेनल्टी नहीं लगती है, अन्यथा उस पर 12% ब्याज और 50% तक पेनल्टी का सेक्शन 4A में प्रोविजन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इसमें मालिक और इंश्योरेंस को भी पार्टी बनाया जाता है। वर्कर्स भी उस समय इंश्योर्ड होना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेथ या एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इसमें टोटल 33 सेक्शन है और इसके अंदर ट्रेड यूनियन से संबंधित, ये यूनियन जैसे इंडस्ट्रीज में रहती हैं, चुनाव से संबंधित क्या उनका कार्य होगा, क्या दायित्व होगा, कैसे संचालन करेंगे, मैनेजमेंट से कैसे डील करेंगे, ये सब ट्रेड यूनियन है, हर कंपनी में रहती हैं और इनका कार्य श्रमिकों के हितों को देखते हुए किया जाता है। ये कब चुनाव होगा, कैसे कार्य संपादित करेंगी, कैसे संचालन होगा, ये सारी बातें ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में वर्णित हैं। मैंने इन सभी अधिनियमों के अलग अलग कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं, आप लेबर लॉ की प्लेलिस्ट में जाकर इस चैनल पर इन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मजदूरी संदाय अधिनियम कहा जाता है। इसमें टोटल 26 सेक्शन है। ये श्रमिकों के वेजेस 7 तारीख तक उनको मिल जाने चाहिए, वेतन भुगतान अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि जो भी श्रमिक किसी फैक्ट्री में या कहीं भी नियोजित है और अगर वो वर्कमैन की परिभाषा में आता है तो उसे समय से वेतन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1936, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इंपॉर्टेंट अधिनियम है, और इसमें कंपनसेशन मांगने पर यदि वेजेस का सही निर्धारण किसी न्यायालय के द्वारा कोई प्रमाण अगर नहीं आता है, आय का सबूत नहीं है, तो इस न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत कोई भी कंपनसेशन वगैरह अगर मांगता है तो उसका निर्धारण न्यूनतम वेतन अधिनियम, स्किल्ड एम्प्लॉई हो सकता है, सेमी स्किल्ड हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है, इस अधिनियम में सारी व्यवस्था दी गई है,
और ये सरकार द्वारा जो तय किए गए उनकी मिनिमम वेजेज है उसके आधार पर निर्धारण आय का सबूत नहीं होने पर इस अधिनियम के तहत न्यायालय करती है। इसके बाद है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये भी काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है और इसमें किसी भी औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने पर मालिक और नियोक्ता नियुक्त के अधीन अर्थात कर्मचारी मालिक के अधीन कोई स्ट्राइक हो गई, टर्मिनेशन हो गया, इलीगल कर दिया गया, सर्विस पीरियड का कोई विवाद है, डिस्प्यूट है, तो सेक्शन 10 के तहत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चाहे वो स्टेट का लेबर कमिश्नर के यहाँ हो या सेंट्रल का हो उनके यहाँ कंसिलेशन प्रोसीडिंग के बाद न्यायालय में मामला जाता है और इसका निर्धारण वहाँ के न्यायाधीश करते हैं अंडर आईडी एक्ट। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसमें मातृत्व इतलाब अधिनियम कहा जाता है। टोटल 20 सेक्शन है और इसमें कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट है जिसके बच्चा होने वाला है लीव पर रहती है, पेड अनपेड लीव का भी सब है व्यवस्था, कार्य पर उसे कितनी छूट दी जाएगी, कब वो उस जगह पर उपस्थित होती है, उसको बच्चे वगैरह को फीड करने के लिए क्या व्यवस्था है, इन सारी व्यवस्थाओं को इस अधिनियम में कैसे कार्य कितने घंटे करेगी, बेबी को कब फीड कराएगी, ये सारी व्यवस्था मैटरनिटी बेनिफिट, कितनी छुट्टी उठाएगी, ये सब व्यवस्थाएं मैटरनिटी बेनिफिट अधिनियम में दी गई हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, साल में जो भी प्रॉफिट होता है इसमें मिनिमम 8.33% तक का बोनस तो देना ही है, ज़्यादा फायदा होने पर 20% तक के बोनस का प्रावधान है। इसमें टोटल 40 सेक्शन है, बोनस कैसे कब मिलेगा ये व्यवस्थाएं इस बोनस अधिनियम में दी गई है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, लंबी सेवा अवधि करने पर जैसे शासकीय कर्मचारियों को मिलती है उनकी ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन किया जाता है और वो ग्रेच्युटी उसके सेवा काल के अनुसार कैलकुलेट होकर इस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत पाने का कर्मकार अधिनियम कर्मकार को अधिकार होता है वर्कमैन को। इसके बाद अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट अभी हाल ही में लाया गया है लेकिन अभी आने में इसको डेवलप होने में थोड़ा समय लगेगा, कुछ परेशानियों के कारण अभी स्थगित है। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कार्यस्थल पर जो भी कामगार करते हैं उनके हेल्थ और सेफ्टी के लिए बहुत सारे प्रोविजन हैं, कैसे कैसे फैक्ट्री में वर्कर्स कार्य करेंगे, क्या हेल्थ सेफ्टी के मेजर्स रखेंगे, उनको बेल्ट दिया जाएगा, जूता दिया जाएगा, ड्रेस दी जाएगी, सभी उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, समय समय पर इक्विपमेंट्स वगैरह की से जिससे कोई दुर्घटना घटित ना हो, तो ये फैक्ट्री अधिनियम भी काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो इस तरह मैंने कुल मिलाकर इस वीडियो में आपको वर्कमैन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम बतलाए। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन अधिनियमों का डिटेल में मेरे वीडियोस बने हुए हैं उन्हें देख सकते हैं, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से छोटे छोटे कानूनी विषयों पर जानकारी देता आ रहा हूँ। वीडियो मित्रों कैसा लगा, या वीडियो अच्छा लगा हो यदि आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरा प्रयास यही है कि आप कानून को जानें, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज जैसा कहा गया है, कानून की अनभिज्ञता या जानकारी नहीं होना इसका बहाना आप नहीं ले सकते हैं। कानून को जानिए, देश के कानून को जानिए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, लोगों की भी जो उनके अधिकार हैं उनको दीजिए। तो इसी उद्देश्य से ये मैंने वीडियो बनाया है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।